कोरोना से बेदम दिल्ली में केजरीवाल सरकार का बड़ा आह्वान, एक हफ्ते के लिए दोबारा लॉकडाउन, अब 3 मई तक सुबह 5 बजे तक तालाबंदी। केजरीवाल ने कहा, अंतिम हथियार के तौर पर बढ़ाया लॉकडाउन, पूर्व की तरह पाबंदी और जरूरी सेवाओं को छूट जारी रहेगी। दिल्ली में ऑक्सीजन के संकट पर बोले केजरीवाल, देश के सभी मुख्यमंत्रियों को हमने लिखी है चिट्ठी, कुछ से बातचीत हो रही है, दिल्ली को 490 टन ऑक्सीजन की जरूरत, लेकिन 355 टन ही मिल रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का केजरीवाल पर पलटवार, कहा 8 ऑक्सीजन प्लांट को मिली थी मंजूरी, अब तक एक ही क्यों लगा। ऑक्सीजन संकट पर केंद्र सरकार का बड़ा कदम, देश भर में 551 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला, पीएम का जल्द से जल्द प्लांट शुरू करने का निर्देश। देश में कोरोना का कहर जारी, आज तीसरे दिन भी 24 घंटों में कोरोना केस का आंकड़ा बढ़ा, 3.5 लाख नए केस, 2,767 की मौत। पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड की केंद्र से मांग, कहा हमारे पास पर्याप्त वैक्सीन नहीं, 1 मई से हम टीकाकरण नहीं कर सकते शुरू। वैक्सीनेशन पर एक्शन में यूपी, योगी सरकार ने 1 करोड़ वैक्सीन का दिया ऑर्डर, महाराष्ट्र में सबको मुफ्त में लगेगी वैक्सीन। मन की बात में बोले पीएम मोदी, कोरोना की पहली वेव का हमने सामना सफलतापूर्वक किया, दूसरी ने झकझोर दिया, पीएम की अपील, लोग जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, सिस्टम फेल है इसलिए जनहित की बात करना जरूरी, इस संकट से देश को जिम्मेदार नागरिकों की जरूरत। राहुल ने कांग्रेसी नेताओं से अपील की, सारे राजनीतिक काम छोड़कर जनता की सेवा करें। बाबुल सुप्रियो दोबारा कोरोना पॉजिटिव, उनकी पत्नी को भी हुआ कोरोना, आसनसोल में मतदान नहीं कर पाने का रहेगा दुख, बाबुल ने कहा।